क्या आपको पता है कि अगले 100 सेकंड में दुनिया खत्म होने वाली है? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। 16 जुलाई 1945 ट्रिनिटी साइट न्यू मैक्सिको में दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब परीक्षण किया गया, जिसने 6 सालों से चले आ रहे दूसरे वर्ल्ड वॉर को ही खत्म कर दिया। जे ओपेनहाइमर इस प्रोजेक्ट के साइंटिफिक डायरेक्टर थे, जो इस परीक्षण के बाद इतने डर गए कि उन्होंने रोते हुए भगवद गीता की कुछ लाइन्स का जिक्र किया, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध करने के लिए बोलते हैं और अपनी हजारों भुजाओं वाला विराट रूप दिखाते हुए कहते हैं कि अब मैंने दुनिया को खत्म करने का रूप धारण कर लिया है। जे ओपेनहाइमर और बाकी के वैज्ञानिकों ने भी ट्रिनिटी टेस्ट के बाद ऐसा ही महसूस किया कि उन्होंने अब दुनिया को खत्म करने का रूप धारण कर लिया है। 9 जनवरी 1942 को प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जिसमें 1000 दिनों के अंदर एक एटॉमिक बॉम्ब तैयार करना था। वैज्ञानिकों की टीम ने इस प्रोजेक्ट पर कई दिनों तक काम किया और ऐसा ही एक बॉम्ब बना लिया। अब बारी थी इसके परीक्षण की, जिसके लिए न्यू मैक्सिको में एक रेगिस्तान को चुना गया, जिसका नाम रखा गया द ट्रिनिटी साइट। जब एटॉमिक बॉम्ब का परीक्षण किया जाना था, तब कई लोग तो ये मान रहे थे कि ये काम करेगा ही नहीं, लेकिन कुछ का मानना था कि अगर ये चला तो ये एटमॉस्फेयर को ही जलाकर रख देगा। जब काउंटडाउन शुरू हुआ और गिनती जीरो पर रुकी, तब हुआ बूम, एक ऐसे हथियार का जन्म जो महाप्रलय ला सकता है। इस बॉम्ब का इंपैक्ट 16 किलोमीटर के रेडियस में देखा जा सकता था। इसके मशरूम क्लाउड को आसमान में 11 किलोमीटर तक देखा जा सकता था। इस धमाके में ऐसा लग रहा था जैसे सूरज धरती पर ही आ गया हो, जिसने चारों ओर के एरिया को दिन की तरह उजागर कर दिया। इस बॉम्ब को बनाने का मकसद था वर्ल्ड वॉर 2 को रोकना, लेकिन इस धमाके को देखने के बाद कोई नहीं चाहता था कि इसका प्रयोग किया जाए, और वैज्ञानिक भी इस पक्ष में नहीं थे कि इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन आर्मी ने एक ना सुनी और 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने अपने B-29 जहाज से अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब लिटिल बॉय हिरोशिमा पर ड्रॉप कर दिया, और इसने पूरी सिटी को पल भर में ही जलाकर राख कर दिया। लेकिन इतना सब होने पर भी जापान की आर्मी ने सरेंडर नहीं किया। लेकिन इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने अपना दूसरा एटॉमिक बॉम्ब फैटमैन नागासाकी में ड्रॉप कर दिया। इन दोनों बड़े धमाकों से जापान में लाखों लोगों की जान गई, और फाइनली 2 सितंबर 1945 को जापान की आर्मी ने सरेंडर करते हुए 6 सालों से चले आ रहे एक युद्ध को विराम कर दिया। इन घटनाओं के बाद वैज्ञानिक पूरी तरह से दुखी थे कि उन्होंने ये क्या बना दिया। 1949 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे नहीं पता कि तीसरा वर्ल्ड वॉर किस चीज से लड़ा जाएगा, लेकिन अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर होता है तो चौथा वर्ल्ड वॉर पत्थर और लकड़ी के डंडों से लड़ा जाएगा, क्योंकि तीसरे वर्ल्ड वॉर में इतनी तबाही होगी कि पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी, और अगर बाई चांस कुछ लोग बच गए तो वो इतने पीछे चले जाएंगे कि आगे का युद्ध उन्हें लकड़ी के डंडों से ही लड़ना पड़ेगा। इन घटनाओं को देखकर वैज्ञानिक भविष्य के बारे में सोचकर ही डरने लगे। ये ऐसे हथियार हैं कि पल भर में पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं, जिसको वैज्ञानिकों ने डूम्सडे का नाम दिया, मतलब कयामत का दिन। वैज्ञानिकों का मानना था कि आने वाले समय में ऐसे हथियार लगभग हर एक देश के पास होंगे। इसी विनाशकारी विकास के आधार पर डूम्सडे क्लॉक का निर्माण किया गया। ये घड़ी समय तो नहीं बताती, लेकिन ये जरूर बताती है कि दुनिया कब खत्म होगी। ये सिर्फ एक अंदेशे पर आधारित एक घड़ी है। इस घड़ी में रात के 12 बजने का मतलब है कयामत का दिन, यानी दुनिया का अंत। इस घड़ी में सबसे पहले समय 1947 में रात के 12 बजने से 7 मिनट पहले सेट किया गया था। आपको बता दें कि इस घड़ी में समय जितना 12 बजे के करीब होगा, उतना ही दुनिया का अंत करीब होगा। जब डूम्सडे क्लॉक में समय 12 बजने से 7 मिनट पहले सेट किया, उस समय वैज्ञानिक भविष्य में होने वाले परमाणु युद्धों को लेकर चिंतित थे, इसलिए डूम्सडे क्लॉक का समय 12 बजे के करीब रखा। लेकिन एक साल बाद जब वैज्ञानिकों को दुनिया के हालात सही दिखे, तो इस घड़ी में समय 1 घंटा पीछे कर दिया गया। डूम्सडे क्लॉक में हर साल जनवरी में दुनिया के हालातों को देखते हुए समय की समीक्षा की जाती है। अगर दुनिया में कहीं युद्ध का माहौल या प्राकृतिक आपदा जैसी घटना घटने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, तो इस घड़ी में समय 12 बजे के पास सेट कर दिया जाता है, और अगर दुनिया में शांति का माहौल दिख रहा है तो इसमें समय 12 बजे से दूर कर दिया जाता है। इस घड़ी में अभी तक समय में 22 बार परिवर्तन किए जा चुके हैं। हाल ही में उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच बढ़ते तनावों को देखते हुए परमाणु युद्ध की आशंका जताई जा रही थी, इस वजह से डूम्सडे क्लॉक में समय 2 मिनट आगे बढ़ा दिया गया था।
इस वीडियो के बनने तक फिलहाल डूम्सडे क्लॉक का समय 11:58:20 है, जो ये दर्शाता है कि हम कयामत के दिन के कितने करीब हैं। इस घड़ी के अनुसार हम सिर्फ 100 सेकंड दूर हैं कयामत के दिन से। अगर इस घड़ी में समय 12 बजे की ओर बढ़ता है तो वो किसी देश की जीत नहीं होगी, किसी धर्म या समुदाय की जीत नहीं होगी, बल्कि वो इंसानियत की सबसे बड़ी हार होगी। 14 नवंबर 2016, ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट सोसाइटी, लंदन। इस सदी के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग एक सभा को संबोधित करने वाले थे। इसमें सैकड़ों लोगों की भीड़ मौजूद थी। सभी लोग स्टीफन हॉकिंग द्वारा संबोधित किए जाने के लिए उत्साहित थे। सबको लग रहा था कि आज स्टीफन हॉकिंग साइंस और खगोल विज्ञान के बारे में कुछ नया बताने वाले हैं। जब स्टीफन हॉकिंग ने अपना भाषण दिया तो पूरी सभा अचंभित हो गई, किसी रोमांच की वजह से नहीं बल्कि एक डर की वजह से। क्योंकि हॉकिंग ने बताया कि आने वाले 1000 सालों में मानव जाति इस पृथ्वी से पूरी तरह से खत्म होने वाली है। पहले तो लोग स्टीफन हॉकिंग की इस बात को मजाक में ले रहे थे, लेकिन जब हॉकिंग ने अपने तर्क दिए तो लोगों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। जब तक हॉकिंग का भाषण समाप्त हुआ तब तक ज्यादातर लोग स्टीफन हॉकिंग की बातों से सहमत हो चुके थे। उनका पहला तर्क था आज के आधुनिक हथियार। आधुनिक दौर में आधुनिक हथियार ही सबसे बड़ा खतरा है मानव जाति के अंत का। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर अगला वर्ल्ड वॉर होगा तो वो इंसानों की शक्ति से नहीं बल्कि आधुनिक हथियारों की शक्ति से होगा। वो वर्ल्ड वॉर नहीं बल्कि एटॉमिक वॉर होगा और उस विध्वंस में आहुति दी जाएगी इंसानियत की। आज पूरी दुनिया में 10,000 से भी ज्यादा एटॉमिक हथियार मौजूद हैं, जिनकी पावर हिरोशिमा और नागासाकी पर छोड़े गए हथियारों से भी कई गुना ज्यादा है। अगर मोटा मोटा बताऊं तो आज पूरी दुनिया में इतने एटॉमिक हथियार मौजूद हैं जो 300 से ज्यादा बार इस धरती से जीवन का नामोनिशान मिटा सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग का दूसरा तर्क है ग्लोबल वार्मिंग, और इसका मुख्य कारण भी हम इंसान ही हैं। फिलहाल हमारी धरती का औसत तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस है। 2015 में क्लाइमेट चेंज कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि पृथ्वी का औसत तापमान सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर ही इस पर जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरह से आज हम ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब हॉकिंग की भविष्यवाणी सच हो जाए। स्टीफन हॉकिंग का अगला तर्क है अनएक्सपेक्टेड वायरस या बैक्टीरिया। जैसा कि हम हाल ही में देख चुके हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कितना कहर ढाया है, जिसने जान और माल दोनों को ही प्रभावित किया है। लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग के चलते पृथ्वी का औसत तापमान और बढ़ता है तो आने वाले समय में कोरोना से भी खतरनाक वायरस या बैक्टीरिया इंसानियत पर अटैक कर सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अंटार्कटिका जैसी जगहों पर बर्फ के नीचे खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस दफन हो सकते हैं जो हजारों लाखों सालों से बर्फ के नीचे कैद हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका में मौजूद बर्फ पिघलती है तो वहां से जो बैक्टीरिया और वायरस निकलने वाले हैं उनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी तक कुछ गिने चुने ही बैक्टीरिया या वायरस ऐसे हैं जिन पर वैज्ञानिकों ने शोध किया है, और अभी भी हजारों या लाखों बैक्टीरिया या वायरस ऐसे होंगे जिन पर अभी शोध होना बाकी है, और इनमें कुछ खतरनाक वायरस ऐसे भी होंगे जिनसे अभी हमारा सामना होना बाकी है और हम समय समय पर इनका सामना करते भी रहते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ मेडिकल साइंस को, जो कि हर साल अननोन बैक्टीरिया या वायरस की चपेट में आए लाखों लोगों की जान बचाती है। स्टीफन हॉकिंग ने आखिरी तर्क दिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीनों की बढ़ती हुई बुद्धि कहीं इंसानों पर उल्टी ना पड़ जाए, इससे भी वैज्ञानिक काफी असमंजस में पड़े हुए हैं। वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मशीनों की बुद्धि को 3 भागों में बांटते हैं, वीक AI, स्ट्रॉन्ग AI और सिंगुलरिटी AI। आज के दौर में हम वीक AI को इस्तेमाल कर रहे हैं। वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो होती है जिसमें मशीनों के सोचने समझने की क्षमता इंसानों से कम होती है। लेकिन जिस तरह से मशीनों की बुद्धि को बढ़ाया जा रहा है उस तरह से कुछ दशकों में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग AI बन जाएगी। स्ट्रॉन्ग AI वो होती है जिसमें मशीनों के सोचने समझने की क्षमता इंसानों के बराबर होती है। क्या हो अगर मशीनें इंसानों के बराबर सोचने लग जाएं? इस स्टेज पर अगर मशीनें हमारी बात मानती हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी दोस्त साबित हो सकती हैं। लेकिन अगर इन्होंने हमारे खिलाफ बगावत कर दी तो हमें इनसे युद्ध भी करना पड़ सकता है। अगर मशीनों की बुद्धि इंसानों से आगे निकल जाए तो उसे वैज्ञानिकों ने सिंगुलरिटी AI का नाम दिया है, और ये मशीनों की वो स्टेज होगी जिससे वैज्ञानिक अभी से डरते हैं। क्योंकि आज हम जानते हैं कि हम इंसान इस ग्रह की सबसे बुद्धिमान प्रजाति हैं, जो अपने से कम बुद्धि के जीवों पर राज करते हैं।
क्या हो कि अगर मशीनें हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान हो जाएं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि इस स्टेज पर मशीनें हमारी दोस्त बनकर ही रहेंगी, हमसे बगावत नहीं करेंगी। स्टीफन हॉकिंग के ये तर्क सोचने पर मजबूर कर देते हैं। स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि अगर इंसानियत को लंबे समय तक अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसका सिर्फ एक ही निवारण है, और वो है अंतरिक्ष में किसी दूसरे ग्रहों पर बसना, वहां पर मानव बस्तियां बनाना, जिससे कि अगर किसी तबाही में पृथ्वी से इंसानियत खत्म भी हो जाए तो भी इस यूनिवर्स में किसी दूसरे ग्रहों पर इंसानों का वजूद कायम रहे। लेकिन अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों पर कॉलोनी बनाना इतना आसान भी नहीं है। आज के दौर में वैज्ञानिक चांद और मंगल पर इंसानी बेस बनाने की सोच रहे हैं, जिससे वहां पर मानव बस्तियां बसाई जा सकें। लेकिन ऐसा होने में अभी बहुत समय लगेगा, और मानव जाति पर इस समय बहुत ही कम समय बचा है स्पेस में बस्ती बसाने के लिए। आज वर्तमान में हम इंसान एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हम पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर मैं कहूं कि इतिहास में मानव जाति पर अपने सर्वाइवल के लिए इतना बड़ा खतरा कभी नहीं आया जितने बड़े खतरे में आज हम जी रहे हैं। आज के दौर में कभी भी कोई भी देश वर्ल्ड वॉर शुरू कर सकता है। आज के दौर में हम कभी भी किसी भी अननोन बैक्टीरिया या वायरस के शिकार हो सकते हैं, जिससे लाइलाज बीमारी फैल सकती है। आज हम बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।